बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक? ठीक ठाक है आप लोग? माशाल्लाह खैरियत से होंगे आप लोग। वेलकम बैक आपको क्लास नंबर 5 में। तो आज हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। आज हम आपसे बातें शेयर करेंगे स्टोरेज डिवाइस के हवाले से। स्टोरेज डिवाइस कितने टाइप्स की है? स्टोरेज डिवाइस 2 टाइप्स की है, ये बच्चों याद रखनी है आपने। 2 टाइप्स कौन कौन सी है? अब ये स्टोरेज डिवाइस बताने से मुराद क्या है? इसमें बच्चों आप लोगों ने देखना है कि जो कंप्यूटर में डाटा आप लोगों ने इंस्टॉलेशन, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे मैंने बताए थे आपको। इंस्टॉलेशन ये होती है स्टोरेज डिवाइसेज में। और कंप्यूटर में हमने कुछ डाटा अपना स्टोर भी करना होता है। स्टोर करना कहाँ पे? ये हमारे पास सारी कैटेगरी आती है स्टोरेज डिवाइस। पहले नंबर पे आपके पास आता है स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और दूसरी टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पहले नंबर पे हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की। इसके अंदर 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स, पहले नंबर पे आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इस पर जब आपने कोई प्रोग्राम फाइल्स ओपन करते हैं, ये डिस्प्ले कंप्यूटर पे जो आपके पास नज़र आ रहा है वो आपको ओपन कर देती है उसमें। उसके बाद जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, यानी कि दूसरी टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की बायोस भी इसको कहते हैं। बायोस कंप्यूटर का यानी कि दिमाग, यानी कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी इसके पास लवाजमात है, मैं सारी डिटेल्स के साथ पिक्चर्स के साथ साथ आपको डिस्प्ले करता चला जाऊँगा, तो आपको निशानदेही हो जाए कि कौन कौन सी जो चीज़ें हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी में आती हैं और रोम में आती हैं। एक तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। जिस वक्त इसके अंदर गेट यूज़ होता है, एंड गेट, आपने देखा होगा अक्सर पावर स्विच के बटन पे ऑन ऑफ का बटन बना होता है, जिसके ऊपर IO लिखा होता है। IO बाइनरी नंबर है। ये क्या चीज़ है? 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। IO से मुराद है कि 1 ट्रू स्टेटमेंट है और 0 फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स ट्रू यानी कि ट्रूथ टेबल आपने अगर किसी ने पढ़े बच्चों, वो उसमें ये सारी गेट्स आते हैं, एंड गेट इन्होंने यूज़ किया था। जैसे हम पावर को ऑन करते हैं, रैम सारा डाटा डिस्प्ले करती है, रोम रैम को डिस्प्ले करती है। रैम ने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखा देना होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो आरजी तौर पे होता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर को ऑन कर लिया है, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आप अपने काम कर रहे हो, काम करते करते माई कंप्यूटर ओपन किया हुआ है, आपने एक्सप्लोरर को प्रोग्राम MS ऑफिस एक्सेल वगैरह इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप लोगों ने ओपन किया हुआ है, इसको ओपन करने के बाद सडनली लाइट चली जाती है या आपका स्विच उस पार करता है तो वो सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है। तो दोबारा से आप इसको ऑन करते हैं। ऑन करने से जो चीज़ें, जो फाइलें, जो प्रोग्राम आपने ओपन किए गए होंगे वो आपके ओपन नहीं होंगे। अलबत्ता ये है कि गूगल क्रोम के अंदर एक फ़ीचर है, उन्होंने मुतारफ करवाया ऐसे सडनली कि अगर लाइट चली जाए तो उसके अंदर एक रीस्टोर की ऑप्शन होती है। अब चूँकि MS ऑफिस वगैरह में भी ये लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोग्राम बहुत सारे आ गए जो फाइल्स को रीस्टोर कर देते हैं। रीस्टोर से मुराद क्या है कि आपने जो काम कर रहे थे, जो आपने कंट्रोल एस करके या सेव करके फाइल ओपन की गई होगी, वहीं से वो आपको डिस्प्ले कर देगा कि भाई आप ये काम कर रहे थे। ये इसके पास फीचर होते हैं। ये था हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का थोड़ा सा। अब दूसरे नंबर पे आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। वो क्या चीज़ है? इसमें बच्चों आती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, पहले नंबर पर आती है हमारे पास हार्ड डिस्क, HDD उसको कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरे नंबर पे आती है SSD हार्ड, ये स्टेट ड्राइव होती है। ये लाइक जैसे रैम, इसी तरह से इसकी स्टोरेज मेमोरी जो होती है ना, ये सेव होती है। इसमें कई कैटेगरीज आ गई हैं। TBs तक इसका डाटा आ गया, 2 TBs तक मार्केट में अवेलेबल है, 3 TBs, 4 TBs तक भी मिल जाएगी आप अगर मार्केट से बाय करना चाहें तो। ये स्ट्रिप की शक्ल में होती है, जिसकी हमने आपको तस्वीर अभी दिखा देनी है। उसके बाद आपके पास स्टोरेज डिवाइस आती है FD। FD ये ओल्ड वर्जन था, फ्लॉपी डिस्क कहते थे इसको। ये 1.44 MB का डाटा स्पेस होता है। ये तस्वीर में आपके साथ दिखाते चले जा रहे हैं हम। फ्लॉपी डिस्क क्या है? FD से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी एक डिस्क ड्राइव होती है, अक्सर पहले आती थी, अब कुछ पीसीज में आती है, कुछ पीसीज में नहीं भी आती। इसका 1.44 MB तक डाटा की कैपेसिटी इसमें स्टोर हो सकती है। ये अक्सर पहले फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ये इस्तेमाल होती थी। अब मार्केट में चूँकि टेक्नोलॉजी तरक्की करती चली जा रही है, अब मार्केट में USB का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। ठीक है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस भी बोलते हैं, जिस पे ये कनेक्ट होती है वो बसेस थी। ये USB है डाटा ट्रैवलिंग के लिए,
डाटे को एक ड्राइव से यानी कि अपने कंप्यूटर से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में जाके कॉपी या पेस्ट कर लें आप, डाटा आपका ये ट्रैवल हो जाएगा। इसलिए इसका नाम डाटा ट्रैवलिंग बोला जाता है कि आप इससे डाटा को ट्रैवल करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है CD DVD। CD DVD में क्या आता है हमारे पास, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉम्पैक्ट डिस्क में टू टाइप्स हैं, पहले नंबर पे CD है, दूसरे नंबर पे DVD है। CD के अंदर डाटा की कैपेसिटी स्टोरेज है तकरीबन 700 MB से लेके इंक्रीज होती है 800 MB तक। सम कुछ CDs ऐसी है वो 600 MB से 700 MB तक भी चली जाती हैं। अलबत्ता ये इसकी कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी का डाटा हम इसमें स्टोर या सेव राइट कर सकते हैं, CD ROM के ज़रिए इसके अंदर राइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये मैं CD राइट करने का जो टॉपिक्स है वो आपको आगे किसी टॉपिक्स में बता दूंगा, CD को और DVD को कैसे राइट एंड रीड एंड राइट किया जाता है। इसमें टू टाइप्स आती हैं, एक राइटेबल CD होती है, एक री राइटेबल CD होती है। री राइटेबल CD से मुराद ये है कि आप उसमें एक बार डाटा स्टोर कर लिया एंड देन सेकेंड टाइम भी उसके अंदर डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसको डिलीट करने के बाद दोबारा से स्टोरेज की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद आती है आपके पास DVD। DVD की कैपेसिटी है, DVD की टू टाइप्स है। पहले नंबर से बस ये बताता चलूँ कि DVD का कैपेसिटी में डाटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है CD के अबाव। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास DVD 4.7 GB तक डाटा स्टोर करती है, देन सेकेंड 9.4 GB डाटा स्टोर करती है। ये स्टोरेज डिवाइस इसलिए ये हमारे पास ये इस कैटेगरी में आती हैं कि इसको भी हम डाटा ट्रैवल के तौर पे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी राइटेबल और रीड एंड राइटेबल दोनों के लिए तौर पे इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास आती है कैसेट्स। कैसेट्स मीडियम एक ऐसा मीडियम था, ये पहले वक्तों में चलता था जिसमें डेक की कैसेट VCR की वीडियो मूवीज़ बनती थी, ठीक है। आज से कोई 20-22 साल पहले ये बहुत ट्रेंड आम था, अब तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं इतना। अलबत्ता अभी भी किसी ना किसी जगह पे ये मीडियम यूज़ ज़रूर होता है, ठीक है। ये कार्बन टाइप, इसमें वो आपको पता है बच्चों, पीता जैसे वो कहते कैसेट्स होती थी, वो बॉल पॉइंट से हम उसको कर लेते, रिवाइंड फॉरवर्ड कर लेते थे कैसेट की वन साइड टू साइड, ये उस मीडियम की मैं बात कर रहा। इस मीडियम में डाटा ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सकता था। ये तो थी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस में अब आगे मैं आपको बताऊंगा साथ साथ इसकी इकाइयाँ क्या हैं। ये साथ साथ स्क्रीन पे भी आपके आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको बताता भी चला जा रहा हूँ कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस की एक वेटेज है। वेटेज क्या चीज़ है, इसमें आपने ये जानना है कि जो फाइल भी आपने डिज़ाइन की या क्रिएट की या सेव की है, जो भी किया है जैसे, उसका एक वेटेज है, उसकी एक वेटेज है। वो वेटेज जानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी का एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम की इकाई को मैं बताता हूँ, वो बिट्स और बाइट्स में इसमें काउंट था। इसकी मैं कैटेगरी बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे आपने देखना है 1 byte से जी। ये स्टोरेज डिवाइस का जो डाटा होता है हमारे पास, इसकी कैपेसिटी में सबसे पहले नंबर पे ये 1 byte से शुरू होता है। 1 byte से शुरू होके ये 1024 तक जाएगा। 1024 से मुराद ये है कि इसके बाइट्स वेरी करते हैं, ठीक है। अगर 1 byte से 1024 तक बाइट्स चले जाए तो ये 1 KB बन जाएगा। नंबर टू पे अगर 1 KB से लेके 1024 KB तक हो जाए तो ये 1 MB बन जाएगा, यानी कि मेगाबाइट। उसके बाद 1 MB से लेके 1024 MB तक डाटा चला जाए तो समझ ले कि आपकी कैपेसिटी 1 GB बन गई, गीगाबाइट, यानी कि ये गीगाबाइट बन जाएगी। उसके बाद अगर आप इसको 1 point से लेके, यानी कि 1 GB से लेके इंक्रीज 1024 तक करें तो ये बन जाएगी 1 TB, यानी कि 1 TB। ले जी, ये कैपेसिटी इसकी वेरी करती हैं, तो इसका एक सिस्टम है, एल्गोरिदम है, साथ साथ मैं बता दूँ, यानी कि 1.1 अगर 1 को ओवर 1 डिवाइड करें या ज़रब करें, मिसाल के तौर पर पहले मैं बता दूँ 1/1 आएगा, डिवाइड नहीं करना आपने, इसको ज़रब देना या ऐड करना, ये 2 बन जाएगा, 2 को डबल करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 को डबल करेंगे ये 8 बन जाएगी बाइट, 8 को डबल करेंगे तो, यानी कि मल्टीप्लाई करते जाना आपने 2 के साथ, 8 के साथ क्या 16 बन जाएगा, फिर 32 बन जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ 64 बन जाएगा। उसके बाद आपने 64 को मल्टीप्लाई करना है 128 बन जाएगा। उसके बाद आपने 128 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये 256 बन जाएगा। फिर 256 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 512 बन जाएगा, यानी कि 512 बन जाएगा। उसके बाद अगर 512 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, ये 1024 यानी कि 1024 ये बाइट्स इंक्रीज एंड, ये सारे के सारे वेरी करते हैं इस मेथड से।
क्योंकि हमारे पास इस वक्त मार्केट में जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है वो मुख्तलिफ कैपेसिटी में आपको अवेलेबल है, मार्केट में आप लेना चाहें ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बच्चों अगले टॉपिक्स में इसके बारे में मज़ीद हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में भी बताया जाएगा, हार्ड कॉपी क्या चीज़ और सॉफ्ट कॉपी इनकी टाइप्स और डिटेल्स के बारे में। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लोग सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो और से आप मुस्तफीद हो सकें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारा साथ देने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।